हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ। और जी, राखी की थकान उतर गई कि नहीं उतरी? क्या क्या करा आप लोगों ने राखी का काम? राखी पे कितना मतलब हो ही जाता है। देखो, रिश्तेदार आते हैं, हम भी जाते हैं किसी के घर, अपने मायके जाते हैं, तो बहुत सारी थकान हो जाती है। खाना बनाना पड़ता है, हम औरतों के लिए तो बहुत ज़्यादा काम जो होता है ना बढ़ जाता है। एक यही नहीं है कि त्यौहार सिर्फ सेलिब्रेशन का ही है, त्यौहार थकावट का भी हो जाता है कि भाई कितना काम फैल जाता है कि कोई रिश्तेदार आ रहा है, घर की साफ़ सफाई से खाना बनाना है, किसी कोई भी आ रहा है तो उसकी आवभगत करनी है। तो चलिए, अब जो है ये तो त्यौहारों का सीज़न अब चलेगा पूरा 2-3 महीने, अक्टूबर नवम्बर तक। तो अब धीरे धीरे एक एक त्यौहार आता जाएगा। अब जन्माष्टमी है कल परसों में, तो उसकी तैयारियों में लग जाओ। बट अभी ये है कि अभी तो रोज़ाना के ही काम हमारे इतने सारे हो जाते हैं कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। अभी आज ये वीडियो जो है सुबह सुबह का है, मॉर्निंग का, और आज का नहीं है, कल का है, 2 दिन का मिक्स है ये। तो अभी ना तबीयत थोड़ी सी मेरी ऐसे ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब थकावट थकावट सी रहती है, ऐसा लगता है बस बैठ जाऊँ, काम करूँ थोड़ा वो तो, और बस बैठ जाऊँ। तो ऐसे काम ना बड़ा रुक रुक कर ही चल रहा है मेरा। तो यहाँ मैं अभी हॉल की डस्टिंग कर रही हूँ, जो सुबह के टाइम पूरा फैल जाता है ना। अच्छा, इस जो ये टेबल की ये रैक्सिन है ना, इसको इस पर बिछाती हूँ, कार्तिक आएगा हटा देगा, वो उतार के ना फेंक देता है। उसको पता नहीं क्या इरिटेशन है इससे, कहता है कि ये चिपकती नहीं है, इसको उतार के फेंक दो। अब मैं कितनी बार इसको, दिन में ना ये 3 बार मैं बिछाती हूँ, ये 3 बार ही हटा देता है। और कई बार तो इतनी गुस्सा आती है ना, इसके मुँह पर ना 2 थप्पड़ मार दूँ खींच के, क्योंकि ये ना काम फैलाता है। ये नहीं देखता मम्मी का कितना टाइम लगता है, इसको बार बार बिछा रही हूँ मैं, आएगा खाना खाएगा या कुछ भी है ना तो उठा के ऐसे फेंक देगा। तो ये हरकतें हैं हमारे बच्चों की। अभी देखो, इस वाले रूम में बेडशीट बदलनी थी, उतार के मैंने धो तो दी, मगर क्या है कि सुबह से अभी तक इस रूम की मैंने क्या कहते डस्टिंग वगैरह नहीं करी, दूसरी चद्दर नहीं बिछाई, क्योंकि रसोई में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। आज मेरे को रसोई की थोड़ी सी क्लीनिंग करी थी पूरी टाइल्स वगैरह का, क्योंकि कई दिन से बुखार हो रहा था ना, तो रसोई सही से साफ ही नहीं हो पाई थी, पूरा हफ्ता निकल गया था। तो सारी रसोई अपना जो है रेगुलर वाली क्लीनिंग थी वो करी थी, और रसोई में जब ज़्यादा टाइम लग गया तो फिर कमरे तो मैंने फिर ऐसे ही उल्टे सीधे ही क्लीन करे। तो इधर जो है इस वाले रूम की बेडशीट धोने डाल दी थी, दूसरी अब बिछा दी है, क्योंकि राखी से एक दिन पहले मैंने चेंज करी थी सारी बेडशीट। अब एक एक करके धोना ही स्टार्ट करूँगी। अब ये मम्मी जी वाले रूम की धोई है, कल मैं अपने रूम की ले लूँगी, ऐसे करके एक एक दिन करके सारी बेडशीट एकदम तो मैं सारी फैलाऊँगी नहीं, क्योंकि अभी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, और ज़्यादा काम बढ़ा लूँ कहीं अभी दोबारा से बीमार पड़ जाऊँ। तो अभी यही डर सताता है बार बार मेरे को कि कहीं दोबारा से बुखार ना चढ़ जाए।
सुबह की मॉर्निंग का, और इधर भी ना जो है मेरा घर का काम पूरा ख़त्म हो गया था, कपड़े सूख गए थे और उन कपड़ों को ही मैं जो है अलमीरा ठीक कर रही थी, फोल्ड कर रही थी, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो रखे थे। बारिश का मौसम, वैसे कल भी कुछ कपड़े आधे सूखे आधे गीले से रह गए थे, तो सबसे पहले इन कपड़ों को ही जो है मैं फोल्ड कर करके ना इनके अलमारी में रख रही थी, बच्चों की अलमारी में या मेरे फैले हुए थे, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा बुरे लगते हैं ये जो चारों तरफ कपड़े फैले हुए होते हैं, और हर तरफ हर अलमारी के अंदर आपको कपड़े ही कपड़े मिलने वाले हैं, चाहे वो यूज़ हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे, और अलमारियाँ पूरी भर रही हैं। तो बस एक कपड़ा, अगर एक अलमारी में से एक कपड़ा निकालना है और वो अलमारी ख़राब हो गई, फिर क्या है कि बस जो लाइन से लगे हुए कपड़े हैं ना वो आपको फिर मिलने वाले नहीं हैं ढंग से, सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अभी सारे कपड़ों की छटाई करके मैंने सही से लगा दी है, और जब इस तरीके से साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो अच्छा लगता है। अभी क्या है, थोड़े से ना मेरे कपड़े फट रहे थे, इधर मेरी गाउन थोड़ी सी उधड़ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मशीन तो रखी हुई है, अभी साथ के साथ जो है इस पर भी सिलाई मार लेती हूँ, क्योंकि पता क्या होता है जो काम हाथों हाथ हो जाते हैं ना वो ठीक है, वरना जो काम अगर मैंने छोड़ दिए, सोचा कि चलो बाद में कर लूँगी या कल कर लूँगी, तो फिर वो क्या होता है कि फिर वो कल कभी आती ही नहीं है मेरी लाइफ। जो काम अगर साथ के साथ कर लो ना तो कर लो, वरना क्या होता है कि वो डिले पे डिले हो ही जाता है। आप जितना मर्जी चाहोगे ना कि चलो कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो फिर कल परसों आने वाला ही नहीं होता, क्योंकि कल तक कुछ और काम हो जाता है, और बहुत बार तो मैं भूल ही जाती हूँ कि हाँ मुझे सिलाई का ये काम करना है, और मेनली सिलाई वाला काम, जो सिलाई वाला काम होता है ना ये सबसे ज़्यादा बोरिंग होता है, क्योंकि कपड़े जिस टाइम आप कपड़े प्रेस कर रहे हो या तय करके रख रहे हो उस टाइम तो आपको दिख जाएगा चीज़ के ये फट रही है या ये उधड़ रही है, और अगर साथ के साथ सिल लेते हैं तो ठीक है, वरना क्या है कि आलस की मारे वो कपड़े जो है फिर तय करके रख जाते हैं, फिर तो जब निकलेंगे फिर याद आएंगे अरे यार ये रह गया सिलने को। इसीलिए ना मैं डुगू की ना भी यूनिफॉर्म कल परसों उधड़ रही थी, तो मैंने फिर क्या करा कि साथ के साथ ये मशीन मैंने बेड पे रखी और पैंट पहले सबसे पहले सिली, क्योंकि सुबह के टाइम ना फिर याद नहीं रहता कि ये सिलाई रह गई है, तो इसीलिए मैंने फिर सबसे पहले जो है ये वाला काम ख़त्म करा था कि उसको सिल के रख दिया, वरना मैं भूल जाती तो फिर भूल ही जाती। अब क्या है कि घर की ना क्लीनिंग हो गई थी, हेल्पर आई थी आज, जल्दी आ गई थी, तो फिर घर की जो क्लीनिंग है डस्टिंग वगैरह जो है ना थोड़ी सी वो रह गई थी, मैंने कमरे ये सब चीज़ें तो कर ली थी, और जब तक आपके घर की डस्टिंग सही से नहीं होती ना, सारा सामान एक्यूरेट जगह पे नहीं रखा होता, तो तब तक क्या है कि आपकी साफ़ सफाई कुछ दिखने वाली नहीं होती। इसीलिए मैं तो ये कहती हूँ सबसे पहले डस्टिंग वगैरह ज़रूरी है, मगर ये है कि कभी कभी जब वो जल्दी आ जाती है तो मेरे ये सब काम रह जाते हैं। तो आज भी वही हुआ था कि काम रह गया था, वो आ गई, फिर क्या करेगा, जब आ जाती है तो फिर करने ही पड़ते हैं। इधर जो है देखो कार्तिक खाना खा के चला गया था अपना, तो यहाँ थोड़ा हॉल की ये टेबल पे ना इस पर फिर से वही मैंने बताया ना आपको रैक्सिन वगैरह हटा के खाना खा के गया है वो, तो इसको मैं अभी सही से कर रही हूँ, और थोड़ी सी डस्टिंग जो है ये मैं अपना टीवी पैनल है इस पर भी कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे खाना वाना खाते हैं, कुछ ना कुछ सामान रखते हैं, तो यहाँ जो है पूरे हॉल में सबसे ज़्यादा गंद इसी एरिया में होता है। तो बस ये सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं इसके बाद चली गई थी नहाने, मेरा काम जो है पूरा कंप्लीट हो गया था, और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो बस फिर अब आराम मिलता है कि चलो ये सारे काम मेरे ख़त्म हो गए घर के जो मेन थे। अच्छा आज ना मैंने जो है घी निकाला था, तो घी निकालने से आप लोगों को पता ही है कितना रसोई में काम फैल जाता है, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो यहाँ वही ये जो घी की खुरचन होते हैं ना इसको गाय वगैरह के आगे डाल दो या कुत्ते खा लेते हैं बड़े खुश होके, कोई भी खा ले, मैं तो निकाल के पॉलीथिन में रख देती हूँ। और ये मसालदानी मैंने जो है आज धोई थी, तो मसालदानी में इसको मसाले वगैरह फिल कर लेती हूँ, और फिर मसाले फिल करने के बाद इसको मैंने रख दिया है। तो ये वाले जो काम होते हैं इनमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, छोटे छोटे से काम है, सबको उठाधरी करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अब बारी आ गई मेरे ड्राइंग रूम की, तो आज मैंने जैसे कि बता दिया था ना कि पहले काम वाली आ गई, तो फिर वही जल्दी जल्दी से जो है घर की सफाई करनी पड़ी, ड्राइंग रूम तो रह ही गया था, बट ये था कि इसमें इतना गंद नहीं है, तो इसको सिर्फ गद्दों को सही से लगाना था, और रात कार्तिक ने जो है मोटे वाला गद्दा नीचे से निकाला ना और एज इट इज़ फेंक कर चला गया है। अब इसको सही से करना तो वो मेरा काम है, मुझे ही करना पड़ेगा, उनको क्या वो तो उठते हैं सो के फेंक के चले जाते हैं, ये सब चीज़ें मम्मी संभालेगी। तो बस अभी इसको ठीक से कर देते हैं, और इसी के साथ करती हूँ आज की
इस वाले वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल मिलूँगी मैं आप लोगों से एक और नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय और टेक केयर।